कितनी मेहनत करते हैं हम लोग दिन रात दुकान पे, करते हैं कि नहीं करते? हाँ, कभी तो ऐसा लगे कैसे ऐसे दिल खोल के खर्चा किया है यार, पूरी दुनिया को दिल से शामिल करे हमारी खुशियों में, कभी तो ऐसा लगे? हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही है केशव दादा, है ना, है ना। अरे उन गुजरातियों को देखा है, रईस गुजरातियों को, अपनी जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जीते है यार, है ना। तुझे तो पता है ना, देखा है ना तूने। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद पे खर्चा करते, वो तो सब पे खुशियां लुटाते, और ये बात मैंने देखी भी है और उनसे सीखी भी है। वाह 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 रूपल वाह। अरे आप तो वो भाकरवाड़ी के साथ रेनकोट फ्री में दे रहे थे ना, अब साड़ियां भी फ्री में दे रहे हो, फालती पकड़ता। ऐसे भाकरवाड़ी के साथ कोई ऐसे 60-70 हजार की नहीं, नहीं लाख लाख की, नहीं नहीं दो दो लाख की, दो लाख नहीं 5 लाख, मींस क्या 20-20 लाख की साड़ियां कोई मफत में दे देता है क्या? एक्सक्यूज मी, इसलिए से अभी मोटी जो देखिए ये सब पिलाई हूँ मैं मम्मी। हाँ, 20 लाख की साड़ियां? नहीं नहीं, अबे 20 लाख की नहीं है, मींस क्या महंगी है लेकिन इतनी महंगी नहीं है। वो क्या है ना कि उर्मी बहन ने मुझे बोला था कि आपकी सासू माँ और उनकी बहुओं के लिए ऐसी साड़ी लानी है, ऐसी साड़ी लानी है। मम्मी, आपने पूछा उनसे? तो शांति रखने बहन अवे। हाँ, तो उर्मी बहन ने बोला था कि आपकी सासू माँ और उनकी बहुओं के लिए ऐसी साड़ी लानी है, ऐसी साड़ी लानी है कि वो ऐसे एक बार पहने ना तो उतरने का नाम ही ना ले। हाँ, अरे उर्मी बहन मालूम है वो सेल्समैन था ना उधर जो ऐसे साड़ियाँ लपेट लपेट के दिखा रहा था, वो भी बोल रहा था कि मैं नहीं दूंगा ये साड़ियाँ, मैं नहीं दूंगा। जा जा कुछ भी ए, ना ना साची, ये देखिए ये वाली साड़ी देखिए, और ये वाली भी देखिए, और ये वाली ये सेम रेखा बहन ने पहनी थी अवार्ड फंक्शन में। है तो बेचारी ने बेच क्यों दी है, इतने बुरे दिन आ गए उसके। ना ना उर्मी बहन, अरे ये साड़ी तो नवी नक्कोर है, ऐसी गर्मा गर्म तवे पे से सीधी मेरे हथेली के थाली में आके गिरी है। हाँ हाँ, अबे हाल अभी ये सब जाके ना वो झुनझुना बहन को जरा दिखा के लाते हैं। चल चल चल, एक मिनट रुकिए। आपने उन्हें बताया कि आप उन्हें इतनी महंगी साड़ी देने वाले? सुपर समाचार। अरे वाह, क्या हुआ अन्ना, पेट साफ हो गया? शुभ समाचार ऐसे होते हैं क्या? हाँ, वो मेरे राघोबा काका, उनको कब्ज की तकलीफ है ना, वो ऐसे ही आते हैं हर बार, शुभ समाचार शुभ समाचार, पेट साफ हो गया ऐसा बोल के गब गब। आओ आप बताइए आपके शुभ समाचार। वो दुकान है ना, प्रिया प्रथमेश पैठणी साड़ी भंडार, वही ना जिसका मालिक थोड़ा सा खड़ूस है, मतलब वो प्रथमेश। अच्छा, ये प्रथमेश खाड़ूस है क्या? हाँ ना, एक ग्राहक ने उनके दुकान पे जाके बोला कि जरा पठानी साड़ी तो दिखाना, तो उन्होंने कहा पठानी नहीं पैठनी बोलो, पैठनी 10 बार बोलो नहीं तो नहीं मिलेगी। अरे असली होता है बाकरवड़ी, बाकरवड़ी। अभी 10 बार बोलो बाकरवड़ी 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 बाकरवड़ी। फिर एक ग्राहक ने बोला कि पैठनी खोल के दिखाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। बर्गर खाने जाते हो तो बोलते हो बर्गर खोल के दिखाओ, सोफा खरीदने जाते हो तो बोलते हो खोल के फाड़ के दिखाओ कि उसके अंदर रुई कैसी है, नहीं ना? एक आध बाकरवड़ी चखने को मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी। क्यों? साबुन खरीदने जाते हो तो पूछते हो थोड़ा घिसने को मिलेगा, पिज्जा अमेरिकन बर्गर वो सब खाने को जाते हो तो पूछते हो चखने को मिलेगा, नहीं ना? नहीं। ऐसा कोई बोलता है क्या अपने ग्राहक को अन्ना? भारती, और भी है ना अपनी जान पहचान में? अपनी जान पहचान में? हाँ, मारो और ताना मारो, उड़ा लो मेरे व्यवहार का मजाक। अभी मुझे तुम लोगों को शुभ समाचार सुनाने ही नहीं है। आहो भाई 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 भाई, अन्ना तो बुरा मान गए। पूछ ले निर्मिति, तू पूछ ले। वो वहाँ मुंह फुला के चले गए और तुझे जाके मनाइए ना अन्ना को,
तब तक मैं इशारा समझ लेती हूँ। बर वही नहीं। हाँ बुरा मान गए का इशारा? हारमोनियम बजाना कैसे? अरे अपना वो गणपत हारमोनियम तो बजाता है गणपति में। अरे तो ये हारमोनियम का इशारा हुआ ना? हाँ पर वो कितना बुरा बजाता है, तो ये बुरे का इशारा था बुरा। करा हाँ। अरे पेरामणी बापा, शगुन देते हैं ना शादी में, तो हम लोग शगुन में सिर्फ ये साड़ी ही देने वाले हैं, है ना रूपल? हाँ और साथ साथ जड़ा उसे मींस की एक एक सेट, बस बस एक एक। हाँ और उसके साथ साथ मांग टीका, मैचिंग पॉकेट, मैचिंग सैंडल, मेकअप का सामान, चांदी के छल्ले, चांदी के पायल, नथ, जड़तर के कंगन, और ये सब रखने के लिए ये सूटकेस। बस सूटकेस उठा के ले जाने के लिए दासियां नहीं भेज रहे आप उनके घर? मस्त, डोंट डाई एंड तू डोंट डाई, फरक पर दूड़ी सब बोल दिया उसके सामने। उठाई हरप पदोड़ी मामी नहीं, आप है मम्मी। अगर आप उन्हें ऐसे महंगे महंगे तोहफे देंगे तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। तो मैं क्या करूँ गायत्री, वो अन्ना लाल का बस चले ना तो वो जो चार पैठणी है ना उन लोगों के पास वही हर प्रसंग में घुमा घुमा के जो पहन। मम्मी ऐसा भी नहीं है, अब एग्जैजरेट मत कीजिए। नहीं नहीं बेटा सच में ऐसा है, मेरे पास प्रूफ है, मैं तुझे दिखाती हूँ। ए रूपल मेरा फोन दे तो जरा, ये देख ये देखा, ये देख ये प्रसंग में तेरी सास ने ये साड़ी पहनी है ना, अब ये देख वही साड़ी ये भाई 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 ने पहनी है बेचारी ने। फिर अभी ये देख ये तेरी सबसे छोटी जेठानी हसुमती ने पहनी है ना इधर ये साड़ी, और वो थोड़े दिन के बाद तेरी सास ने पहनी वो दूसरे वाले प्रसंग में। अब ये देख वो भाई 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 ने ये पहनी है ना, तो ये वो होगा मम्मी वो होगा। हाँ पर शादी में तो अपने बजट के हिसाब से वो लोग नई साड़ियां ही खरीदेंगे ना। मम्मी उन्हें कुछ चीजें तो अपनी तरह से करने दीजिए, इस तरह उन्हें हर्ट मत कीजिए अपने अरमान उनके ऊपर थोप कर प्लीज। अब ये बच्चे की तरह रूठ के बैठे रहेंगे। आहो मैं शांत ही रहूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ बात ना ही करो तो बेहतर होगा। थोड़ा सा चिढ़ाया तो बुरा मान गया। हाँ बाड़ू ए, 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 ए। बाड़ू बोलो काड़ू बोलो कुछ भी बोलो, मैं मानने वाला नहीं हूँ। जो सुना तुम दिल से मानती हो कि मैं वो साड़ी भंडार के मालिक के जितना खाड़ूस हूँ, हाँ अरे मेरे जितना नम्र आदमी तुम लोगों को खाड़ूस लगता है। माफ कर दीजिए ना, हाथ जोड़ती हूँ मैं। हाँ मान जाइए ना बाड़ू। अब करीब आके आपके कान में फूंक मारूंगी तो फिर आप क्या 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 फूंक भी क्या हाँ? ये क्या उम्र है क्या कान में फूंक भी मारने की? तो बताइए ना क्या है शुभ समाचार? अरे अन्ना आ गई। क्या शुभ समाचार है बताइए ना? शादी के लिए हम लोगों को साड़ियाँ खरीदनी है ना, है? अभी इसमें पढ़ो क्या लिखा है साड़ी के बारे में। बांग्लादेश में आई हुई भारी वायु तूफान के कारण चार महिलाओं की साड़ियाँ उड़ गई। अगवाई अन्ना हम ऐसी साड़ियाँ पहनेंगे क्या? ऐसी बांग्लादेश से जो साड़ी उड़ी है ना वो उड़ते उड़ते पुणे में आ गई है और अभी यहाँ उड़ रही है। और वो जो पतंग पकड़ने के लिए छोकरे लोग भागते हैं ना हाथ में लकड़ी लेके, वैसे हम लोग इस घर के पुरुष लोग भागेंगे लकड़ी लेके। और ऐसे अरे पकड़े ला है ये पैठणी मेरी जोचना के लिए, ऐसा करने वाले। ओहो क्या हो कहती। अरे निर्मिति पढ़ो वो नीचे देखो साड़ी का इश्तिहार है वो पढ़ो। प्रिया प्रथमेश पैठणी साड़ी भंडार, प्योर पैठणी साड़ी, सभी साड़ियों पे 60% की छूट। 60% जोचना बहु
है कि नहीं शुभ समाचार? आहो, ये अखबार तो पिछले साल का है। नहीं, ओ अमोल को मैंने आज का अखबार लाने के लिए बोला था। भग। 2018 ये बुद्धि सागर। अमोल, ए अमोल, आहो अन्ना, अमोल अन्ना, ये देखो मैं आज के और भी अखबार लेके आया, ये लीजिए। आज के? अरे ये 1998 का अखबार है और ये तो गुजराती, ये सब गुजराती अखबार है। हाँ। वो भी पुराने। सही कहा आपने। क्या सही कहा आपने? क्यों, आप ही ने कहा था ना कि आज के अखबार लेके आना, तो आज के अखबार लेके आया मैं। अरे दुग्धाचार्य, ये सारे अखबार आज के कैसे हुए? उर्मिला आंटी बोली, जब मैंने उनको पूछा ना कि ये अखबार आप निकाल के रद्दी में कब देने वाले हैं, तो उन्होंने बोला आज, सब आज के आज ही निकाले हैं, तो हुए ना आज के अखबार। कैसा है ये मेरा बीरबल। मैं समझा वो साड़ियों का सेल बिल इस साल है। नहीं नहीं अन्ना, शादी की साड़ियाँ तो उल्टा महंगी हो गई है इस साल, कोई 80,000, 90,000, लाख लाख, 1.5 लाख की भी है। अच्छा ठीक है, अभी ये साड़ी पीढ़ी पे चर्चा बाद में करेंगे, पहले पत्रिका पे चर्चा कर लेते हैं। अमोल, वो केशव की शादी में पत्रिकाएं बांटी थी ना, वो लेके आ जा रहा बारा। भाई ये सब क्या है? निमंत्रण पत्रिका का बॉक्स। अरे वाह, राइफल बॉक्स। तो इसमें मेहमान शादी के हॉल का एड्रेस कहाँ पढ़ेंगे? पिस्ता उठाएंगे, ऐसा उसका छिलका निकालेंगे, ऐसा खाएंगे, उसके छिलके में पढ़ेंगे, है ना? जरा पढ़ी तो एड्रेस। इसमें तो कुछ नहीं लिखा है दादा, वो व्यंग में बात कर रहे हैं। ओ केशव वाइडा, ये निमंत्रण का शगुन है ड्राई फ्रूट बॉक्स, और ये देख, ये मोतीचूर का बड़ा सा लड्डू बांधनी टाइप बॉक्स में पैक करके देंगे हम। वाह। निमंत्रण पत्रिका ये है, और ये देख क्या लिखा है, जीवन तो है विवाह के मेहमान, रिश्तेदार दोस्त वोस्त रिश्तेदार। वाह। जीवन तो है विवाह का भोजन, जायकेदार मस्त वस्त जायकेदार। वाह 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 वाह। आगे मैंने लिखा है। हाँ हाँ, तो जाहिर सी बात है। बोलिए। बोल बोल। तो विवाह का भोजन, विवाह के मेहमान एक हुए। वाह। दीपिका पादुकोण, वहीदा रहमान एक हुए। सुपर। अभिषेक कैसी लगी पत्रिका? अच्छी है। अरे क्या अच्छी है, गायत्री का शुभ विवाह अभिषेक के साथ, ऐसा कुछ लिखा है उसमें भी? जीवन तो है दूल्हा दुल्हन, अभिषेक गायत्री अभिषेक, तो अभिषेक गायत्री एक हुए, चिकू शेख काजू कतरी एक हुए। तू रहने दे केशव। और लिखा है वाइडा, ऐसे ताने मारने की जरूरत नहीं है छोटे अन्ना, ऐसे सिल्क के कपड़ों पर प्रिंट होकर आएगा, गायत्री वेड अभिषेक। और ये देख, ये चांदी का सिक्का, ये देख मेहमान के लिए। यहाँ एक तरफ प्रिंट होगा जी फॉर गायत्री, और दूसरी तरफ ए फॉर अभिषेक, और ये सारी चीजें हम एक आर्टिस्टिक बैग में पैक करके देंगे हर आमंत्रित मेहमान को। वाह, इतना तो मेरी अपनी शादी में नहीं मिला था मुझे। अरे आप हंस क्या रहे हो महेंद्र भाव, सच बोल रहे हैं, नहीं मिला था वो भारती वहिनी। अरे बस बस बस, समझ गया मैं, इस शादी पे आ जाओ ना भाई। अभिषेक, तुम्हारी वाली पत्रिका की डिजाइन तय हो गई?
वाह 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 अमोल, शाबाश बड़ा शाबाश। अंकल क्या कर रहे हैं आप ये? मैं वो कर रहा हूँ जो 90% लोग नहीं करते, दिमाग का इस्तेमाल। अच्छा आप भी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? अब तो मुझ पे गए अन्ना। बरोबर बोला बाप होना, तुझ पे गया हूँ मैं। धन्यवाद। गायत्री ये देख ये देख, केशव के नाम के ऊपर अभिषेक का नाम लिखवा दिया और निर्मिति के नाम के ऊपर तेरा नाम। फिर इधर तेरे मम्मी पापा का नाम आ जाएगा। अच्छा मतलब केशव दादा की पत्रिका अभी अभिषेक की पत्रिका बन जाएगी। तो मैं जाके सबको देके आता हूँ। अरे ओ प्रगाढ़ पंडित रुक रुक, ये एक ही कॉपी सबको कैसे देगा बाड़ा? हाँ अंकल, और समय दिन तारीख ये सारी जहमत आप उठाएंगे, इतनी तकलीफ। आप प्रत्येक अक्षरों से लिखवाऊंगा, चिंता मत कर। अन्ना आपने हमसे भारत के नक्शे की कलर फोटो कॉपी मंगाई थी ना? ये लीजिए ना। शाबाश गायत्री, ये देखो है कि नहीं दोनों एकदम एक जैसी। अभी क्या करेंगे ना, किसी फोटोकॉपी सेंटर में इस पत्रिका के भी 200-300 कॉपियां करवा लूंगा और फिर सब लोग में बांट देंगे हम लोग। ये एक पत्रिका 15 रुपए की पड़ती है, वो पत्रिका हमें 5 रुपए में पड़ेगी। हो जाएगी ना फिजूल खर्चे में बचत। तो सुपर आइडिया है अंकल। क्या सुपर आइडिया, लेकिन मस्त लेटेस्ट डिजाइन वाली पत्रिका कितनी सुपर लगेगी। नहीं छपवाइए ना। सुपर दिखने से क्या होता है उज्ज्वला, पत्रिका का काम है दिन समय स्थल ये सब बताना। बरोबर, बिल्कुल बरोबर बोली मेरी सीता बेटी। वैसे भी उज्ज्वला लोग शादी की पत्रिका कैसे पढ़ते हैं दिखाओ क्या? ये देखो शादी की पत्रिका आई है। अच्छा दिखाओ दिखाओ। भोजन समय 12-3 आशाबाद और आपसरी आप दोनों सहपरिवार, सहपरिवार चले जाएंगे खाना खाने के लिए। ऐसे तो पढ़ते हैं शादी की पत्रिका। हमारे गांव में तो पंचायत के बाहर ब्लैक बोर्ड होता है, उसके ऊपर लिख देते हैं कि फला फला की शादी फला फला के साथ है और सब लोग आ जाते हैं। उज्ज्वला बिज्ज्वला। ये तो और भी अच्छा आइडिया है अंकल, सिर्फ पैसे नहीं पर्यावरण भी बचता है इस तरह से। समझी उज्ज्वला? जबरदस्त आइडिया उर्मिली, जबरदस्त आइडिया है ना। मतलब कि शादी में तुम लोग मराठी स्टाइल, मतलब कि बाजीराव मस्तानी स्टाइल में, और मराठी औरतें गुजराती स्टाइल में साड़ियां पहनेंगी। सुपर सुपर आइडिया है उर्मिली, सुपर। जाने वे जाने। हाँ भाई हाँ भाई, इसका आइडिया था, ये रूपल का आइडिया था, रूपल मेरा नहीं। हाँ बस है तो तू आगे खत आगे। हाँ वाह रूपल, क्या आइडिया है तुझे। मैं क्या कहती हूँ महेंद्र, सोचिए सोचिए, पूरा का पूरा गोखले परिवार रामलीला पिक्चर के गामठी कपड़ों में। सासू भाई, केशव भौजी, अमोल भौजी, और इनको देखिए तो जरा। ओ भारती, ऐसे लुगड़े पहन के बाय 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 नहीं, आय 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 ऐसे बोलो। सही है, जैसा भेष वैसी बोली, गुर्जर चुंदनी ने नीचे गुर्जर चोली। प्रेमनी पिचकारी थी रमिये रास अरे रमिये होरी। गुजराती का रूप था सजाना, सबकी है यही तमन्ना। कहाँ छुपे है, कहाँ छुपे है गुर्जर रूपी अन्ना। बाय बाय गुर्जर रूपी अन्ना, बाय बाय गुर्जर रूपी अन्ना। थैया थैया थैया। हे प्रभाकर की मावड़ी, यहाँ हम सब लोग हाई क्लास गुजराती छेल छबीले भाईरे बने हैं, तभी तो तू ऐसा आहो बिहो बोलना बंद कर।
तबला तोड़ गुजराती रमजट बुला गुर्जर नारी आहो नहीं हालो बोल हालो ए हालो हालो Dinna dinna,